जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, मोदी सरकार ने यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं या उन्हें निकाला जा रहा है उस पर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है दोस्तों। और प्रोपेगेंडा इस तरह से हदों को पार कर रहा है कि पिछली सरकारों पर दोष मढ़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से। कल जब भारतीय छात्र भारत पहुंचे तो उनसे मोदी मोदी के नारे लगवाए गए। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें दोस्तों, इसमें दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। जब मंत्री महोदय बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवाने के लिए कहते हैं ना, तब पूरे आवेग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, मगर उसके बाद मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए जाते हैं। और तब आप देखेंगे बच्चों में एक हिचक आप महसूस करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि उनके चेहरे पर आप एक शॉक देखेंगे कि एक मंत्री उनसे, देश के प्रधानमंत्री, जिंदाबाद के नारे क्यों लगवा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप ये देखें और उसके बाद मैं चर्चा करता हूं। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी भारत माता की जय। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार प्रचार के लिए इस कदर बौखला गई है कि अब जो विद्यार्थी लौट रहे हैं आप उनसे मोदी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। और दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात है कि इन्होंने अपने पालतू पत्रकारों और अपने समर्थक वर्ग, अपने पूरे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया है झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करने के लिए। मसलन आपके स्क्रीन पर अगर आप ये तमाम ट्वीट्स देख रहे हैं, इसके अंदर कई पत्रकार भी हैं, कई एजेंसीज भी हैं और वो एक झूठी खबर फैला रहे हैं। झूठी खबर क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया जिसके चलते 6 घंटे तक युद्ध रुक गया और उसके बाद हमारे जो तमाम नागरिक हैं उन्हें बाहर निकाला गया यूक्रेन से। बाद में दोस्तों इस खबर को झूठा साबित किया गया। खुद विदेश मंत्रालय के सामने आकर यह कहना पड़ा जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या 6 घंटे के लिए युद्ध रुका गया, तो आप देख सकते हैं एनडीटीवी के पत्रकार बता रहे हैं नहीं, यह खबर सरासर झूठी है। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको एक और चीज बतलाने वाला हूं दोस्तों। इस वक्त मोदी सरकार ने अपने 4 पालतू पत्रकारों को पोलैंड भेजा है, यूक्रेन नहीं पोलैंड भेजा है। और ये चारों जो अब तक स्टूडियो में बैठ के प्राइम टाइम में जहर बोते थे, वो लोग अब वहां पहुंचकर जो है इस सरकार का अनाप शनाप प्रचार करने वाले हैं। और मैं आपको एक और खबर बताता हूं दोस्तों, इनके आने जाने का पूरा खर्चा उठाया जा रहा है, यानी कि उनकी संस्थाओं को इसका एक नया पैसा नहीं देना है, इसका पूरा खर्चा यही सरकार उठा रही है। इसमें एक पत्रकार वो है जो तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, एक पत्रकार वो है जो प्राइम टाइम में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के जहरीली डिबेट्स करता है, इसमें से एक पत्रकार वो है जिनके रिश्तेदारों पर रहमोकरम है सरकार की एक प्रभावशाली मंत्री का। तो एक तरह से आप महसूस कर सकते हैं कि प्रचार में ये सरकार पीछे बिल्कुल नहीं है। कभी कभी मन में ये बात आती है, रात भर हम सोए नहीं है, सारे ऑफिसर सोए नहीं है, क्रू आपके साथ सोए नहीं है, जिसमें पायलट थे और उनकी टीम है, आप भी नहीं सोए होंगे। यदि प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व तो हमको नहीं मिला होता, पता नहीं आज क्या स्थिति होती। कल जब प्रधानमंत्री छात्रों से मिले तो इस मुलाकात में भी मानो वो पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रहे थे इस संकट के लिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने हमारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, इसी के चलते हमारे छात्रों को जो है दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने उनसे क्या कहा सुनिए। मिशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेजते, कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं, देखिए पहले
करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 पर पहुंच गए हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक मिनट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मान भी लूं, तो कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि पिछले 7 सालों में सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा क्या कोई भी मेडिकल संस्थान देश को सौंपा, या उस तरह की कल्पना सामने उभर कर आई? उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कुछ दिनों पहले इस पूरे संकट के लिए कहीं ना कहीं दोष मढ़ रहे थे छात्रों पर। आप ये कह रहे थे कि हमारे छात्र जो हैं वो छोटे छोटे देशों के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जाकर पढ़ने को मजबूर हैं। अगर ऐसी बात है तो पिछले 7 सालों में आपको मेडिकल की पढ़ाई को सस्ता करना चाहिए था ना। आपका पूरा प्रचार तंत्र उन विद्यार्थियों पर निशाना साध रहा था। यही आपके मंत्री है ना प्रहलाद जोशी, इन्होंने कहा था कि यूक्रेन में पढ़ने वाले जो 90% छात्र हैं वो भारत की NEET परीक्षा में फेल होते हैं। और फिर नवीन कुमार, वो भारतीय छात्र जो रूसी गोलीबारी में मारा गया था, नवीन कुमार के पिता को सामने आना पड़ा था और ये बोलना पड़ा था कि मेरे बेटे को 95% मिले थे। यानी कि या तो ये सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, या फिर इनका प्रचार तंत्र जो विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं उन पर दोष मढ़ रही है कि तुम फंसे हो तो अपनी गलती की वजह से फंसे हो। इट्स नॉट सेफ टू मूव टू वेस्टर्न बॉर्डर्स, राइट? वी आर वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी नोटिफिकेशन, देन ओनली वी कैन डू समथिंग, यू नो, इफ वी डू समथिंग बाय आवरसेल्फ, व्हाट, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी, राइट? द ह्यूज डिलेमा। जबकि अगर आप 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक भारत सरकार के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन पर निगाह डालें, तो पहला दिशा निर्देश यूक्रेन छोड़ने का आता है 15 फरवरी को। उसमें भी जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप छोड़ना चाहें तो यू मे कंसिडर टू लीव। और दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? छात्रों पर मढ़ा जा रहा है। हमेशा हर आधे घंटे, हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितने माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स है, ये सिर्फ हमारा थर्ड हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स है, ये बॉयज है, सिर्फ थर्ड हॉस्टल के हैं। बाकी फर्स्ट हॉस्टल है, वहाँ पे 200 बच्चे हैं। बाकी सेकेंड हॉस्टल है, वहाँ पे 250 बच्चे हैं। बाकी सिक्स हॉस्टल है, वहाँ पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से, यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स है बाहर, इतने सारे स्टूडेंट फंसे हुए, हम लोग की हेल्प कीजिए। मैंने आपसे बार बार कहा है दोस्तों, ये मत सोचिए कि इस सरकार के या इस पॉलिटिकल पार्टी का निशाना सिर्फ माइनॉरिटीज पर होगा, किसानों पर होगा, उदारवादियों पर होगा, उन लोगों पर होगा जो इनसे सवाल करते हैं। नहीं, अगर आप इनकी हां में हां नहीं मिलाएंगे तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं इन बच्चियों का, पंजाबी में अपनी बात रख रहे हैं। इनकी हालत को महसूस कीजिए, आप समझ सकते हैं कि ये खुद कितना डेस्परेट महसूस कर रहे हैं। देखिए। सत श्री अकाल सारिआं नूं, असीं पंजाब दे रहिण वाले बच्चे हाँ। असीं हुण खारके शहर 'च रहिंदे सीगे, कल सानूं खारके बिल्कुल खाली करन लई बोलिया गया, तां असीं उत्थों निकल के 8 किलोमीटर चल के असीं वगजाल स्टेशन तक पहुँचे ट्रेन फड़न लई। ते उत्थे ट्रेन दो सीगियां, पर उत्थे यूक्रेनियंस बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे कि असीं पहलां चढ़ जाइए। बहुत रश सीगा उत्थे, शैलिंग इन्नी हो रही, बंबार्डिंग इन्नी हो रही सी। इस तों इलावा भी असीं दूसरी ट्रेन का वेट किया उत्थे स्टेशन ते खड़ के ही, ते पर हाल बहुत खराब सीगा। यूक्रेनियंस ने सानूं बिल्कुल एंटर नहीं करन दित्ता अंदर। यूक्रेनियंस आपदे ही लोगों भी एंटर नहीं करन दे रही, तो साड़ी तो बहुत दूर की गल है। इस तो इलावा कि असी फिर सोचा कि क्यों ना मैट्रो के बंकरस च बह जाइए। जदों असी बंकरस च बैठे तो उस टाइम सानू एडवाइसरी लॉन्च होगी कि इतों खारकिव, सारे बच्चों यही रिक्वेस्ट आ कि खारकिव छेती तो छेती खाली किया जाए।
उस टाइम सानू कुछ नहीं सुझा, सानू फिर साडे एजेंट्स ने पिसोचन करके कोई जगह सी एम्बेसी ने सानू सजेस्ट किया कि उत्थे आ जाओ जिहड़ी कि उत्थों 15 किलोमीटर दूर तो सी। जो पिसोचन जगह है वो यहाँ से हमारे वक्जाल मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर है। हम सब लोग चल के 15 किलोमीटर यहाँ तक आए हैं अंधेरे में। हमारी इतनी कोई हेल्प नहीं हो पाई क्योंकि हम सबको चलना पड़ा। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, 3 दिन हो गया से बिल्कुल कुछ नहीं खाता हैगा। इवन पानी भी असी बहुत एक एक सिप करके पी लिया ताकि पानी भी स्टोर कर सके। असी हुण प्रेजेंटली असी इस जगह ते हैगे तां आया बट असी अपने आप नू सेफ नहीं काउंट कर सकते क्योंकि कोई पता नहीं है कदों अटैक हो जाए। इत्थे जदों असी रेलवे स्टेशन पहुंचे सी उसे टाइम ते बंबार्डिंग शुरू हुई जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा करीब तो सी। इन्ना वड्डा रिस्क लै के असी स्टेशन तों निकले सीगे कि एटलीस्ट अहीं खार के जो बाहर जाइए। 15 किलोमीटर के रास्ते में भी बहुत ज्यादा बॉम्ब शेलिंग हुई जिससे हमें खुद को इतना डर लग रहा था। पर इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील है कि प्लीज हमें जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ जगह ले आ जा सके। सेफ जो नहीं है इत्थे भी ऑल टाइम बॉम्बारिंग की आवाज आंदी रहती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੌਣ ਦੀ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1000 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ 15, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੋਸਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाए क्योंकि इतना तुरना इज इम्पॉसिबल। और अब दोस्तों ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप देखिए इन छात्रों को करीब 30 किलोमीटर चलने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग जहां मौजूद थे वहां पर उन्हें कोई भी रेस्क्यू नहीं करने आया। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं वो यूक्रेन के अंदर से थोड़ा हो रहे हैं, तमाम भारतीय छात्रों को या तो पोलैंड हंगरी से रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं यही तो समझना चाहता हूं यूक्रेन के बीचों बीच से कितने लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। इन सवालों के जवाब आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं देती? इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि या तो मोदी सरकार के मंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाने में लगे हुए हैं या फिर प्रधानमंत्री छात्रों के साथ बैठकर यह कह रहे हैं कि भाई पिछली सरकारों ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को पुख्ता नहीं किया इसलिए आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हमें वो इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों से आप हुजूर क्या कर रहे हैं या 6 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था। बोल खिलाफ आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।